अगर तुमने मुझे रॉबिन हिल की डब्बी नहीं बोला वैसे हम दोनों रॉबिन हिल की डब्बी लग रही है, हाथ खोला रखो नहीं मैं नहीं देख रहा तुम्हारे बूटी पे, सो आई जस्ट रियलाइज लाफ्ड लाइक अ मॉन्स्टर. We have been with each other. इसका क्या मतलब है? So the first thing tough competition. अब ये तो आगे आगे देखो. Sorry, मैं यहाँ पे बात हूँ. यहाँ पर ना हम लोगों ने कैमरे में देखना है, अपने आप को नहीं देखना. ठीक. ठीक है. अपने आप को थोड़ा चुप के रखना. ये तो जगह ही बोलता है, सच्ची बोलता है. Assalamualaikum everyone. Welcome to Kavali. कितना important होता है जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेज करना, इनकरेज करना और ये बताना कि हमें आपकी कौन कौन सी क्वालिटी बहुत पसंद है. शादी से पहले सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, ये भी बहुत अच्छा है, वो गॉड लुक, क्या आवाज़ है, ओ माय गॉड द वे शी और ही स्पीक्स, वो. और जैसे ही शादी थोड़ी एक साल, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा साल, फिर चौथा साल होता जाता है तो लोग जो है ना अप्रिशिएट करना थोड़ा कम कर देते हैं. व्हाट आई लव इन माय हस्बैंड एंड व्हाट आई लव अबाउट माय वाइफ, सो टुडे वी आर गोइंग टू शेयर दैट विद यू. अंग्रेजी की एक मिसाल है कि यू सी व्हाट यू लुक फॉर, आपको वो ही नजर आता है जो आप देखना चाहते हैं. सो जो पहली चीज है जो कि मुझे आप में बहुत अच्छी लगती है वो है द वे यू मेक मी फील व्हेन आई एम विद यू. Okay. ये हमेशा कहती है, मैं इसकी बात रिपीट करूँगा कि इट्स नॉट हु यू आर, इट्स हु यू बिकम व्हेन यू आर विद समवन. आप कौन हैं ये इतना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये कि आप कौन बन जाते हैं, कैसे हो जाते हैं जब आप किसी के साथ होते हैं. तो जब मैं अरूज के साथ होता हूँ आई लिटरली फील लाइक अ किंग ऑफ द वर्ल्ड. मुझे अरूज अल्हम्दुलिल्लाह एक बादशाह की तरह ट्रीट करती है, उसको इज्जत दे के ट्रीट कर सकता है. और जब उसके पास हो, उसके साथ हो, उसको इस चीज़ का एहसास दिला देना कि मेरे लिए इस वक्त और दुनिया में कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है सिवाय आपके. तो जब अरूज मेरे साथ होती है मैं एक बादशाह की तरह फील करता हूँ. ये सबसे पहली चीज़ है. द फर्स्ट थिंग अबाउट हिम इज दैट ही इज माशाल्लाह माशाल्लाह सो एनर्जेटिक दैट आई यूज्ड टू फील कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ. And he's so energetic that he gives me the energy. Let's do. He's ready for everything, and he's very upbeat. Upbeat se murad ye nahi hai ki disco dancer hai. Upbeat se murad ye hai that he is up for everything. You know, he's very happening. मतलब आप कुछ लोगों कहते हो ना, let's do this, let's do that. But हाँ अच्छा सोचेंगे करेंगे कर ही लेते हैं. He is not like that. I tell him something and he's like, yes, we'll do it. करूँगा. You know, he is like. Let's do it, like, you know, doer. So, I mean, that's beautiful about it. Okay, जो अगली चीज़ है जो मुझे अरूज के बारे में पसंद है वो ये है कि ये अपनी ज़रूरतों को बस से पुश डाल देती है और बाकी लोगों की ज़रूरतों को आगे ले आती है. ये अपनी ज़रूरतों पे, लोगों की ज़रूरतों पे अपनी ज़रूरतें कुर्बान कर देती है. इसी को इंसानियत कहते हैं जो यहाँ मेरे साथ बैठ के स्माइल कर रहे हैं. इनकी दूसरी क्वालिटी ये है कि ये ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं हर उस चीज़ में जिसमें मैं इंटरेस्टेड होती हूँ, जिसमें मैं इंटरेस्ट ले रही होती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं मतलब यू नो वट एवर आई वॉन्ट टू अचीव. ही टेक्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब नॉर्मली मर्द होते हैं ना हस्बैंड, वो कहते हैं हाँ ठीक है चली गई, लगी हुई है तो लगी रहने दो, करने दो इसको. इट्स नॉट लाइक दैट विद हिम. ही टेक्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. मसलन फॉर एग्जाम्पल मैं जिसमें हिजाबी का काम कर रही हूँ तो ये रिसर्चेस करेंगे, अच्छा क्या क्या है क्या नहीं है, कितनी हर थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद मुझे एक आर्टिकल आ रहा होता है. मैंने शायद वो आर्टिकल्स कभी नहीं पढ़े. एंड इज़ लाइक देखो यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर वो हो रहा है. सो ही टेक्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. एंड आई थिंक ये एक स्पाउस के लिए बड़ी अमेजिंग चीज़ होती है कि अगला बंदा जो है अपने इंटरेस्ट को साइड पर रख के आपके इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है. तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है एंड दिस इज समथिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट. तीसरी वजह जो अरूज की अच्छाई है वो ये है कि जब भी कभी मैं बुरा फील कर रहा होता हूँ, व्हेनेवर आई एम फीलिंग डाउन, शी नोज हाउ टू लिफ्ट मी अप. इसको मेरे स्पिरिट्स लिफ्ट अप करने का तरीका आता है. पहली तो चीज़ यह कि ये फिगर आउट कर ली थी कि इस बंदे के साथ ना समथिंग इज़ रॉन्ग राइट नाउ. और उसके बाद ये कुरेद के मुझसे पूछ लेगी, इसको फौरन पता लग जाता है कि यार आई एम गोइंग थ्रू समथिंग. तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स द थर्ड बिगेस्ट रीजन दैट आई लव अबाउट हर. तीसरा
तीसरी चीज़ जो मुझे शिराज़ की बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि पॉजिटिविटी, डोंट लुक एट माई बूटी, पॉजिटिविटी माशाल्लाह, ही इज़ अ बॉल ऑफ पॉजिटिविटी, ही है दिस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. हम हमेशा सुनते हैं ना मोटिवेशनल टॉक्स के अंदर एंड दिस एंड दैट हियर एंड देयर, तो मेरे घर में एक मोटिवेशनल गोला, मतलब देयर इज अ ह्यूमन हु इज़ अ फोर्स फुल ऑफ पॉजिटिविटी, जो कभी कभी जाहिर है जब आपके साथ लोग कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं तो कभी कभी डाउन हो जाते हैं जब मैं फिर इनको बूस्ट करती हूँ, बट अदरवाइज ही इज़ माशाल्लाह वो चीज़ें जो मुझे लग रही होती हैं कि ये नामुमकिन है, अब तो ही सेज कि नहीं देखना ऐसा होगा, ऐसा होगा. और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं अपनी टॉक्स के अंदर ये बात किया करती थी एंड ही शोज मी विद हिज एक्शंस, बट ही इज़ माशाल्लाह वन हेल ऑफ अ पॉजिटिव पर्सन, अल्हम्दुलिल्लाह. और ऐसा पॉजिटिव इंसान आपका स्पाउस हो, आपकी जिंदगी में हो, मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा ब्लेसिंग नहीं हो सकती. जो चौथी चीज़, द फोर्थ रीज़न दैट आई लव अबाउट अरूज इज द वे शी अटेम्प्ट्स टू कुक. शी इज़ एन एक्सेलेंट कुक. आई एम सॉरी, लाइक देखो कोई भी परफेक्ट कुक नहीं हो सकता, राइट? हम कुछ प्रोफेशनल शेफ्स तो नहीं है ना. आपने बेसिकली मेरी बुराई नहीं, अभी 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 मेरी बात पूरी नहीं. अभी और आपको पता है जब ये अटेम्प्ट खाना बनाने की बहुत अच्छी करती है और अल्हम्दुलिल्लाह ये खाना बहुत अच्छा बनाती है. लेकिन इसके साथ जो सी मेन चीज़ है जो मुझे पसंद है वो ये है कि ये मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती है. शी हैज़ स्पॉइल्ड मी, शी हैज़ लिटरली स्पॉइल्ड मी, और मुझे इसकी बात पसंद है. द फोर्थ क्वालिटी जो शिराज की है, देखिए इंसान को ना जो कुछ कहना चाहिए सच सच कहना चाहिए, सच के अलावा कुछ नहीं कहना चाहिए, जान अल्लाह को देनी है, तो जो सही बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं वो ही बोलनी चाहिए. और वो ये है कि ही इज़ एन ईगोलेस मैन. नाराज़गी हो जाए, मेरी गलती हो या इनकी गलती हो, मनाएगा कौन? शिराज चौधरी ऑलवेज अपोलोजाइजेज इवन इफ इट्स नॉट हिज फॉल्ट. बोला था बात मैं प्रूव कर देती हूँ कि आपकी गलती है, लेकिन अगर नहीं भी होती गलती, ही वुड, ही डजंट वॉन्ट कि लिंगर ऑन हो लड़ाई या कोई बात उस तरह से हो, तो ही वुड ऑलवेज अपोलोजाइज. ही हैज़ नो ईगो वेन इट कम्स टू एनी रिलेशनशिप. और ये मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ही ऑलवेज टेक इनिशिएट टू मेक अप एंड हर चीज़ को उस तरह से लेकर चलते हैं. ही इज़ लाइक, और अगर इफ देर आर टाइम्स लाइक 100 में से अगर दो दफ़ा मैं कभी कहूँ कि सॉरी, अच्छा चलो मुझसे भी गलती हो गई, तो ही वुड से वाटर अंडर द ब्रिज. सो यू नो ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज पीपल के ले के बैठ के बातें किए जा रहे रगड़ी जा रहे हैं बात को. सो ही हैज़ नो ईगो when it comes to a relationship. Sorry kehna ho, apologize karna ho, maafi mangni ho, he is very very good in that. So this is the fourth one. Alhamdulillah Aruj, panchwa point jo mujhe Aruj ke bare mein bahut zyada pasand hai, aur I'm really lucky, kafi sare mard yahan pe khawand honge jo ke isse relate kar sakte hain. Ye pata nahi kis planet ki hai, ye aam aurat nahi, ye taiyar hone mein bilkul time nahi leti. मुझे yes. लगता था कि मैं दुनिया का क्विकेस्ट शावर लेके दस्ती तैयार हो रहा था, लेकिन अरूज ने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए सारे. अरूज से जल्दी तैयार होने वाली खातून मैंने आज तक नहीं देखी. कॉमन जो सा गिला होता है खामदों को वो यही होता है कि नहीं, हमारी मेल्स को कि हमारी बीवियाँ या जो भी फीमेल्स हैं घर में वो तैयार होने में बहुत टाइम देती हैं, लेकिन yes. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी तैयार होने में बिल्कुल टाइम नहीं देती. और क्या तैयार होती है. All right, so the fifth thing that I like about you is honesty. बहुत ज़्यादा सच्चाई है, मतलब इस कदर सच्चाई है कि मैंने बहुत religious लोगों को देखा है मगर वो मसलहतन झूठ बोल लेते हैं. And they say कि इस्लाम हमें ये सिखाता है कि मसलहतन झूठ बोला जा सकता है, मगर शिराज चौधरी साहब ने अपने आप को जितने नुकसानात पहुंचाए हैं मसलहतन ना झूठ बोल के, आई थिंक मुझे सलाम पेश करना चाहती हूँ. ये इतना ज़्यादा सच बोलते हैं, और आपको पता है ना सच क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, तो फिर आहिस्ता लोगों को ये बात इतनी को खास पसंद नहीं आती, कि ऐसे जदों ही बोलता है सच ही बोलता है, कि आप ये सोचें कि ये पता नहीं क्या क्या कुछ अपनी ज़िंदगी में लूज़ करके तो बस
क्या क्या कुछ इन्होंने लूज किया है just to make sure that he tells the truth. So this is something that I love about you. Thank you very much. Thank you.